नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को जला दो, मैं तो कहता हूँ। और जो सम्राट अशोक हैं उनके बारे में आज मैं पढ़ने वाला हूँ। एक वो बहुत ही क्रूअल राजा थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके बाद में जो अपना धर्म चेंज किया और जो धर्म स्थापित किया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर वो इंसान की लाइफ में जो कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा एवरीथिंग इज़ ओके, यानी कि वॉइस और वीडियो एकदम प्रॉपर है, ताकि हम क्या है आगे बढ़ सकें। ओके, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जो सम्राट अशोक थे वो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जनता के प्यारे थे, है ना, बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारे थे। हाँ, एक बार मैं फटाफट से जो है इसको रेड ले लेते हैं। ओके, और ये उनकी जो है प्रतिमा बनी थी यहाँ पे, एकदम शानदार तरह की पर्सनैलिटी है सम्राट अशोक। सर, वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हैं, वॉइस में प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं हमको। मैं भी चेक कर लेता हूँ, ना ना आ रही है वॉइस तो। हाँ, ओके, यहाँ पे हमको कैसे पता चलता है कि सम्राट अशोक थे। अच्छा, हमको जो बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज मिला है वो हमको यहाँ पे सम्राट अशोक की वजह से मिला है। चलिए देखते हैं, क्लियर नहीं है वॉइस। अच्छा, वॉइस को अब क्लियर कैसे किया जाए, समथिंग इश्यूज जी, ये तो रोज का है। हाँ, हाँ, ये तो लिंकिंग लॉस में ऐसा इशू होता रहता है, राइट, वॉइस का इशू है आज। चलिए देखते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस जैसे कि शिलालेख हैं, कॉइन्स जैसे कि सिक्के हैं, सील्स जैसे कि मुहर है, हाँ, पोट्रीज यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और मॉन्यूमेंट्स, केव्स और स्कल्पचर्स, इसमें जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो सम्राट अशोक के समय का माना जाता है। चलिए देखें, पावरफुल किंगडम्स जो है यहाँ पे, हाँ, तो आप देख सकते हैं मगध, अवंती, कौशाला और वत्स, और इनके अंदर से सबसे ज़्यादा जो इमर्ज हुए थे वो मगध डायनेस्टी थी। मगध डायनेस्टी में सबसे पहले हर्यंक वंश आया था, हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, एंड देन नंदा वंश, नंदा वंश के बाद में हमारा जो है मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। और जो आप पर्सनैलिटी देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके जो गुरु है जिनका नाम क्या है यहाँ पे, कौटिल्य, ऑल्सो नोन एज चाणक्य। तो इनकी किताब से, कौटिल्य की किताब से हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो मौर्य डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट रही थी, जैसे कि ये जो इनका काम है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ी किताब है। एक्चुअली में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें अलग अलग चीज़ें, चाहे वो स्टेट क्राफ्ट का हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो बिजनेस किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हैंडल करना है देश को, वो सब अर्थशास्त्र में लिखा था। और वो आज भी टिल डेट एकदम सही अवस्था के अंदर है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चाणक्य नीति पढ़ते हैं, वो चाणक्य नीति इस छोटे से 15 वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखें, तो 15 वॉल्यूम्स को तीन सेक्शन में डिवाइड किया था, एक तो राजा, मिनिस्टर, काउंसिल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, एक क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, जो आप लोग ये CRPC, IPC और ये सब पढ़ रहे हो ना, ये सब इधर से और मनुस्मृति से आया है, हाँ, ध्यान रखिएगा। फिर है ये वॉर डिप्लोमेसी, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चाणक्य की किताब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको सीखने को मिली है, और चाणक्य को इंडियन मैचलेवी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और सम्राट अशोक के पिता, जिनका नाम क्या है, बिंदुसार। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो तो क्या है भाई, अशोका द ग्रेट। इन चीज़ों से हमको पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, और मौर्यन एम्पायर अपने आप में एक अलग ही लेवल का एम्पायर था और बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी हम जानेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो सम्राट अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो किंगडम है साउथ तक फैला हुआ था, साउथ तक,
बहुत मुश्किल होती थी जब साउथ के अंदर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही डायनेस्टीज चलती थी, अलग ही तरह के लोग थे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो सन ऑफ मौर्य एम्परर बिंदुसार एंड शुभद्रंगी, इनकी माता का नाम था, और चंद्रगुप्त मौर्य के तो ग्रैंडसन है ही। इनका नाम जो है देवन, देव नाम पिया जो था एक नाम, ठीक है, पियादसी दूसरा नाम। तो ये दो नाम जो है मोस्टली हर जगह देखने को मिलते हैं। अब कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जो अभिलेख होते हैं ना, इंस्क्रिप्शन, जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, बड़े बड़े स्तंभ लगाए थे, उन स्तंभ पे कहीं पे भी सम्राट अशोक नाम नहीं लिखा है। हाँ, सब जगह क्या लिखा है, देवनम पिया या फिर पियादसी, और जिसका मतलब क्या होता है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी कि भगवान का भी प्यारा, राइट, सम्राट अशोक। और इंडिया का सबसे बड़ा मोनार्च, ठीक है, एक तो अकबर द ग्रेट है, एक एलेक्जेंडर द ग्रेट है, और जो तीसरे हैं वो क्या है, अशोका द ग्रेट है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज मैं आपको जो सम्राट अशोक का जो धर्म परिवर्तन हुआ उसके बारे में पढ़ाऊंगा। एक और चीज पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे सम्राट अशोक की डेथ के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ, ये भी अपन जानेंगे आज। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जरूरी नहीं है कि आपके हर चीज एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना। हमारा इतिहास तो चेंज हो नहीं सकता, आपके बच्चों के एग्जाम के अंदर आएगा वो, है ना, आने वाले 10 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, लेकिन आएगा जरूर ये। तो अगर हमको नॉलेज ही नहीं है, किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया है, तो बैठे रहो और तो क्या है। अशोक धम्मा, इसको धर्म कहते हैं, वॉज द ओरिजिनल एंड मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अ कोड ऑफ बिहेवियर पोस्टेड अमंग द कॉमन पीपल अक्रॉस द मॉरियन पीरियड्स। सब जो है ये किताबी ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि जो अशोक धर्म है वो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है धर्म स्थापना का। तो इस तरह से जो आपने देखा होगा ये व्हील जेनिज्म में भी दिखता है हमको, बुद्धिज्म में भी दिखता है, सम्राट अशोक के किंगडम में भी दिखता है, हम्पी के रथ में भी दिखता है, और पांचवी चीज हमारे भारत के झंडे में भी दिखता है। तो 24 स्पोक्स का ये जो है, इसको हम कहते हैं व्हील ऑफ लॉ। अब इसको करते हैं कनेक्ट हम अपनी लाइफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्हील ऑफ लॉ मजाक नहीं है, एक लाइफ का चक्का होता है। ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके साथ में होगा, ये इस चीज का मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। ये कहाँ लिखा है, मैंने नहीं बोला, ये किस में लिखा है, अपने पुराण में लिखा है, राइट। सर मैं हिस्ट्री में सब कुछ जानती हूँ, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, मैं अभी तनसुख सर से बात करता हूँ मैं, और एक बहुत ही अच्छा सा वो सिस्टम निकालते हैं अपन, क्या कहते हैं उसको, हाँ वो क्या होता है वो, हाँ कंप्यूटर पे अपन करते हैं ना जो, नहीं मॉक नहीं, हाँ जूम मीटिंग का मैं सर से परमिशन लेता हूँ, और संडे यानी कि 2 जुलाई को अपन करते हैं मोतीलाल जी। ठीक है, डन। हाँ वैसे भी मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट सब कह रहे थे, तो अपन क्या है करेंगे। हाँ बिल्कुल राइट। चलो, इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन न्यूमरस रॉक पिलर्स एंड एडिक्ट्स। तो ये हर जगह जितने भी रॉक एडिक्ट से सब में लिखा है। बिल्कुल रक्षिता, यू आर राइट, ये कर्मा मतलब है इसका, वेरी गुड। अशोका वॉज द थर्ड मौर्यन एम्परर, तो तीसरा मौर्यन एम्परर था, ठीक है। हाँ, ही इज द मोस्ट फेमसली नोन फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन एशिया। देखो, अगर सम्राट अशोक नहीं होते, मैं तो कहता हूँ नहीं, सम्राट अशोक को जाने दो, उपगुप्त नहीं होते तो बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रचार नहीं होता। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, नॉर्मल पर्सन की लोग बात माने ना माने, राजा की जरूर मानते हैं, और अशोका जो है राजा नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती का मतलब होता है जिनके अंडर में बहुत सारे राजा होते हैं, एम्परर जिसको कहते हैं। तो उन्होंने एशिया की जगह, श्रीलंका की जगह, बांग्लादेश, हर जगह जो है इन्होंने अपने लोगों को भेजा धर्म का प्रचार करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से जो है बुद्धिज्म जो है बहुत ज्यादा फैल गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोका रूल्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 268 टू 232 BC। देखो, कभी भी
कभी भी डेट मत याद करना, ठीक है? हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, लेकिन डेट याद करने से ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को। एंड द अशोकन एम्पायर स्पेंड थ्रू प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अब ये इनका रूल क्या था, आपने कभी नाम सुना है अखंड भारत, है ना? चाणक्य का सपना था, चंद्रगुप्त मौर्य का सपना था कि अखंड भारत को एक करेंगे, राइट? हाँ, तो यहाँ पे उनसे नहीं हुआ, लेकिन सम्राट अशोक ने ये कर दिखाया। और आपको मैं बता दूँ सम्राट अशोक का एम्पायर क्या था वो हम देखते हैं। सबसे पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं, अशोका वॉज अ फियर्स वॉरियर एंड किंग। फियर्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ब्रूटल था, मतलब कि कोई दया भाव नहीं थी सम्राट अशोक में, सच बात है ये। हाँ, और जिन्होंने अपने 99 भाई को मार दिया, हाँ 99 भाई को, उसमें काय की दया। लेकिन उसके लड़ाकू, बिल्कुल लड़ाकू पर्सन थे, उसके बाद में जब ये बुद्धिज़्म में टर्न हुए तो बिल्कुल शांत हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी भी अकड़ दिखा लो, कितना भी गुस्सा दिखा लो, कितना भी मैं या अहम कर लो, ख़त्म होगा, ख़त्म होना तो क्या है, तय है। तो इसलिए शांति से ही रह लो, ठीक है ना? सही है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये वो टेरिटरी थी, ये वो जो अखंड भारत का सपना जो देखा था। तो भारत तो ले ही लिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया, म्यांमार भी ले लिया, हाँ नेपाल भी ले लिया। देखो यहाँ पे, ये पूरा टेरिटरी जो है अकबर द ग्रेट की थी। इज इट अ जोक, ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे? देखो एक बार कि कितना बड़ा वो राजा होगा, है ना? एक छोटी सी टेरिटरी तो संभलती नहीं है किसी से, और यहाँ से यहाँ तक कम से कम 6 देश हैं। हाँ, श्रीलंका भी है, ठीक है? श्रीलंका में हमसे ज़्यादा श्रीलंका वालों को पता है सम्राट अशोक के बारे में, और हमसे ज़्यादा श्रीलंका वालों को पता है श्री राम के बारे में, है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो काम है, हमारे जो इतिहास में जो रूलर्स रहे हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को ही जला दिया। तो बैठे रहो फिर, अब और तो क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, अशोका द ग्रेट के बारे में ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन, एक भी कुछ पार्ट था हमारे पास, बिल्कुल, और ईरान का भी थोड़ा सा पार्ट था, राइट? और इस तरह का इंस्क्रिप्शन है जो कि जेम्स प्रिंसेप ने, क्या नाम है उनका, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, ठीक है? ये खरोशी भाषा के अंदर है, ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। और इस तरह का जो अशोक धम्म सम्राट अशोक द्वारा प्रचलित नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को संदर्भित करता है, जो शांति, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर जोर देता है। तो घूम फिरा के धर्म स्थापित किया। आपको अगर याद हो तो एक बहुत लाखों साल पहले, हाँ, एक बहुत ही फेमस पर्सन थे श्री कृष्णा, उन्होंने महाभारत करवा के धर्म स्थापित किया था, याद सबको होगा वो चीज़, ठीक है? यहाँ तक कि जो भगवत गीता में उन्होंने एक एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। लेकिन हाँ, वो सेक्युलर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हाँ, भगवत गीता जो है ये एक तरह से सेक्युलर है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू की है, नो, सभी लोग पढ़ते हैं उसको, राइट? फिर यहाँ पे जो है रामायण, तो भगवान राम ने जो है फिर से धर्म जो है यहाँ पे स्थापित किया। तो सेम इसी तरह से सम्राट अशोक ने भी क्या किया था, धर्म की स्थापना करी थी, राइट? अर्ली लाइफ की अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, तो ये वाले जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये एक्चुअली श्रीलंका में थे, अब इंडिया में आ चुके हैं, अब ये श्रीलंका से मिले हैं ये। इन द अर्ली लाइफ अशोका कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सप्रेसिंग द रिवोल्ट तक्षशिला एंड गवर्न द सिटी ऑफ उज्जैन। देखो बिंदुसार जो था ना, हाँ बिंदुसार के बड़े पुत्र और थे कोई, ठीक है? लेकिन क्या है, सम्राट अशोक क्या है, छोटे थे बहुत, तो उनको राजगद्दी पे नहीं बिठाना था। एक तरह से कहा जाए तो जो बड़ा बेटा होता है वही राजगद्दी पे बैठता है। तो इसी वजह से क्या है कि सम्राट अशोक को दूर रखा गया, और क्योंकि इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी अच्छी थी तो इसीलिए क्या है उनको तक्षशिला का जो है रिवोल्ट पे भेज दिया।
यानी कि जो भी तक्षशिला की साइड से आएगा, उज्जैनी साइड से आएगा, तो उनको सप्रेस करना यानी कि रोकना वहीं पे। तो इससे क्या है कि आगे तक लोग आते ही नहीं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्राट अशोक राजा बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के राज्यपाल थे, तो आप क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं आप? हाँ, इधर आंसर नहीं है, इस पेज पे आंसर नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ मैं। हाँ, अलग सा क्वेश्चन है ये, सम्राट अशोक के राजा बनने से पहले वो कहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल थे? वेरी गुड पूर्णिमा सोनी, बहुत ही बढ़िया। अवंती के थे। किसके थे? अवंती। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सम्राट अशोक राजा बनने से पहले अवंती के राज्यपाल यानी कि गवर्नर थे, याद रखिएगा। उससे पहले जो है वो गवर्नर थे उज्जैन के। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन टेक्स्ट, ठीक है, श्रीलंका के जो जो है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से, द दीप वंशा, क्या है? दीप वंशा एंड महावंशा, अशोका रीन्ड फॉर 37 ईयर्स एंड एसेंडेड द थ्रोन 218 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की डेथ के एग्जैक्ट 218 साल बाद सम्राट अशोक का राज था और उन्होंने 37 ईयर्स रूल किया था। और एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने 37 के अंदर, 37 ईयर्स में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े, और युद्ध लड़ के आपको रिजल्ट आपको सामने दिख ही रहा है कि नहीं? इतना तो किसी ने भी नहीं लड़ा था, सच बात तो ये है, इसीलिए शायद द ग्रेट लगता है इनके नाम के आगे। अशोका वॉज मेड द गवर्नर ऑफ अवंती बाय किंग बिंदुसार। देखो यहाँ पे आ गया ना अवंती। हाँ, बींग इम्प्रेस विद वेपनरी एंड इंटेलिजेंस। अच्छा, एक तो ये वेपन्स के अंदर अच्छे, एक ये पढ़े लिखे अच्छे, और तीसरा जो है बुद्धिमान जो है बहुत शानदार। हाँ, फेमस। अशोक किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स, 99 लोगों को, 99 भाइयों को मार दिया टू फॉलो अप हिज फादर एज द किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सिर्फ राजा बनने के लिए 99 भाई को मार दिया, और 100 भाइयों का युद्ध हुआ था। कितने भाइयों का? 100 भाइयों का, राइट। एक को छोड़ दिया था। हाँ, उसका नाम था तीसा, वो मोगलीपुत्र तीसा नहीं था, ये तीसा कोई था, दुर्बल था, हाँ हैंडीकैप्ड था, उसको छोड़ दिया था। इसको भी क्यों छोड़ा? सम एंशियंट टेक्स्ट सजेस्टेड बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म अशोक वॉज एन एक्सट्रीमली वॉयलेंट किंग विथ एन इलेबोरेट टॉर्चर चेम्बर। ओ माई गॉड, सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म धर्म अपनाया था उससे पहले वो बहुत ही वॉयलेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिंसक राजा थे, और उनके पास एक चेम्बर था, एक चेम्बर मतलब एक कमरा होता टॉर्चर करने का, तो वो बता रहे हैं ये। आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म अशोका बिकेम नोन एज धर्म अशोक। इसका मतलब ये है, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है अपन को। इससे मतलब ये है कि कोई भी अगर गंदा पर्सन है तो वो भी अच्छा बन सकता है, बस कुछ अच्छा काम करने से। तो देख लो आप, सीख लो, है कि नहीं? धर्म अशोक भी कहा जाता है ड्यू टू द पायस एक्ट ही यूज टू कैरी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अर्ली लाइफ के बारे में ये था, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्तूपाज एंड टेम्पल्स डेट अशोक का कंस्ट्रक्टेड। जब मैं ये नाम बोलूंगा तो आपको लगेगा अच्छा इतना बड़ा काम किया है, और जो इधर के आसपास के लोग होंगे वो तो बोलेंगे अरे ये सम्राट अशोक ने बनाया है, ये तो आज पता पड़ा है हमको। चलो देखते हैं। हाँ, धमेक स्तूपा जो कि सारनाथ में है, और सारनाथ अपन सब जानते हैं यूपी के अंदर है, वो जो सारनाथ स्तूपा जो है ना वही है ये। नालंदा महावीरा सम पोर्शंस लाइक सरीपुत स्तूपा बिहार। तो नालंदा महावीरा की जो चीज़ें बनाई गई है वो भी किसने बनाई है? सम्राट अशोक ने। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश, सम्राट अशोक आज दिन तक प्रेजेंट है एकदम सही कंडीशन में। बर्बर केव्स जो कि बिहार के अंदर है, बहुत ही फेमस है, लोग भीड़ पड़ती है। हाँ, बुतकरा स्तूपा जो कि पाकिस्तान के अंदर है, स्वात करके जगह है पाकिस्तान में। महाबोधि टेम्पल, बुद्धिज्म का इतनी बड़ी मूर्ति है, मैंने फोटो दिखाई है आपको जब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा रहा था,
वो है, बिहार में ही है महाबोधि टेम्पल, किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। हाँ, बरहुत स्तूपा, ये जो बरहुत का स्तूपा है इसके सामने बहुत सारी ट्रेजेडिक चीज़ें और मतलब आपको मैं बता दूँ अंधविश्वासी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे कुछ भूतिया चीज़ें भी है। अब वो सम्राट अशोक का भूत है या उनकी फैमिली का वो पता नहीं, बट ये भी है बरहुत स्तूपा के आसपास। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई? वो तो बहुत पहले उन्होंने बनाई थी, लेकिन कुछ पार्ट जो है किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने, और इन्होंने इधर स्टडी भी करी थी। हाँ, देवर कोथर स्तूपा मध्य प्रदेश, और भींद मोंद तक्षशिला पाकिस्तान। अच्छा, आपको अगर पता हो तो सम्राट अशोक नाम का एक सीरियल भी आता था टेलीविज़न पर, तो वो जो टेलीविज़न पर जो दिखाई जाती है और जो मूवीज़ बनाई जाती है वो सही नहीं होती है, ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पार्ट थोड़ा बहुत सही होगा, बाकी सब तो नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में लिखा है ये। हाँ, ये वाली फ़ोटो जो आपको दिख रही है, ऐसे ही मैं एक्चुअली दिल्ली घूमने गया था, तो दिल्ली गया तो वहाँ पे चांदनी चौक का था मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से बाहर निकला तो कुछ ऐसा दिखा मुझको। हाँ, तो जो यूपी के अंदर रहते हैं, बिहार में रहते हैं, जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहता है ये दिखना। हाँ, राइट, तो इस तरह का जो है सीन बहुत अक्सर मिलने को मिल जाता है, तो ये तो बहुत ही बड़ी और शानदार बात है कि नहीं? राइट, तो ये इस तरह के अशोका के स्तूपा थे, और स्तूपा के ऊपर की साइड में एक जानवर हुआ करता था, एक एनिमल हुआ करता था, एक प्रतीक हुआ करता था हर चीज़ का। तो इस तरह का स्तूपा दिखता था नीचे की साइड से, देखो यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं ये सब चीज़ें। हाँ, नीचे से ऊपर लिखते थे ये, फिर आगे से आगे से आगे। उसके बाद फिर जब सम्राट अशोक ने इतना सोच रखा था कि जो मेरे बाद भी जो राजा आएंगे वो भी आराम से इस पे लिख सकेंगे, राइट। राजगीर जाते हुए भी, राजगीर का तो बहुत बड़ा नाम है मगध के अंदर, है कि नहीं? और ये जो है ये एक बहुत ही प्राचीन स्तूपा है जो अभी तक प्रेजेंट है। आई थिंक ये जूनागढ़ के अंदर है, जूनागढ़ करके जगह है, वहाँ पर है ये, और पूरा कवर्ड है। हाँ, राइट, हमारे इंडिया के जो हिस्ट्री है, हमारे इंडिया का जो आर्किटेक्चर है, उसके लिए आप समझ लो कि एक बड़ी बड़ी मशीनें भी लेके आ जाओ और तोड़ने की कोशिश करो तो बहुत मुश्किल से टूटेगी, राइट। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आज दिन तक मिल रही है उनको, तो सोचो आप कि क्या सीन होगा हमारे इंडिया का। ये देखो, ऊपर की साइड में एनिमल है, नीचे की साइड में एबेकस है एक छोटा सा जिसके ऊपर लॉयन बैठा है। ये बेस है, ये बेस का बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेम ये बेस अभी हमने जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें ये लगाया है। पिलर शाफ्ट ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसके नीचे से जब लिखना स्टार्ट होता है तो ये हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलम है। सेम ऐसे कैसा, राम राम। हाँ, तो ये तरह का है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अशोका धम्मा, देखो यहाँ पे अशोका धम्मा हैज़ नो फॉर्मल डेफिनेशन, कोई भी तरह की डेफिनेशन या कोई तरह की परिभाषा नहीं है, बट एज अ कंसेप्ट इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ राइटियस वे ऑफ लिविंग। लेकिन सिर्फ वो क्या है कि जब उनको उपगुप्त ने बताया कि देखो भगवान बुद्ध ने तो हमको 200 साल पहले बोला है कि इस तरह से जीवन जो है यहाँ पे जीना है, और तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ लड़ाई झगड़ा और ये सब, कितने लोगों को तुमने मारा है। उपगुप्त ने उनके खुद के रथ में बिठा के लेके गए कि ये देखो तुम, ये तुमने क्या किया है, पता नहीं कितने ही परिवार नष्ट कर दिए तुमने, हाँ कितने ही देश तुमने नष्ट कर दिए, अब तो सुधर जाओ। हाँ, राइट, आफ्टर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म अशोका स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग धर्मा थ्रू आउट हिज एम्पायर आफ्टर इशूइंग 14 एडिक्ट्स। तो 14 बड़े रॉक एडिक्ट्स और बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट्स बनाए, तो जिसमें से ये जो आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक जो है ना स्क्वायर, ये 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। पिलर एडिक्ट्स की बात करें हम तो ये ट्राइंगल वाले हैं,
और ये जो ब्लैक की जगह व्हाइट स्क्वायर है ये माइनर एडिक्ट्स है। माइनर एडिक्ट्स देखो इधर कितने ज़्यादा पाए गए हैं, देखो पूरा भारत ही कवर कर लिया है ना देखो यहाँ पे, तो सोचो आप कितना बड़ा जो है ये सम्राट होगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोकास धम्मा इज बेस्ड ऑन 10 प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंट। इसको अपन अपनी लाइफ में अगर उतारते हैं, इसको अगर अपन जुडिशरी की तैयारी में उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं अशोका के जो 10 प्रिंसिपल एक बार देखे तो सही है क्या। टू बी ट्रुथफुल एंड अपहोल्ड टोटल इंटीग्रिटी, हम हमेशा जो है ट्रुथफुल रहना चाहिए, सच सच के साथ में रहना चाहिए। टू बी जेंटल एंड काइंड, सम्राट अशोक जो कि खुद क्रूअल थे बाद में क्या बोलते हैं, टू बी जेंटल एंड काइंड। टू बी लिबरल वाइल अवॉइडिंग ईगोइज्म, अहम नहीं करना। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, अहम करने का मतलब है डाउनफॉल। क्या है, कितना ही आप ऊपर पहुंच जाओ, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, ये अहम वर्ड बीच में आते ही गिरोगे नीचे। ध्यान रखना ये हमेशा लाइफ में याद रखना, ठीक है। जो पर्सन हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो कभी नहीं गिर पाता, क्योंकि उसके पास तो जमीन है ना। ध्यान रखिएगा, हवा में नहीं उड़ना। चाहे जज भी बन जाओ, चाहे जज से ऊपर भी बन जाओ आप, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। टू बी विलिंग टू पुट वंस ओन प्लेजर असाइड फॉर द सब्जेक्ट्स वेल बींग, ठीक है। यानी कि टू बी विलिंग टू पुट वंस ओन प्लेजर, अपने प्लेजर के लिए किसी का काम खराब नहीं करना, ठीक है। अपने अच्छे के लिए किसी का काम खराब नहीं करना, क्योंकि कर्मा इसी जन्म में आपको वापस आएगा। ध्यान रखना, किसी का दिल दुख रहा है और आप अपना फायदा कर रहे हो तो ये तो सबसे बड़ा महापाप है ये। टू डेवलप पेशेंस, ये तो वही बातें हैं जो मैं डेली आपको बताता हूँ, पेशेंस एंड परसिवरेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे, लेकिन मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, 2 बारी पेशेंस रखना, तीसरी बार फिर बैंड बजा देना, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हाँ, ज़्यादा भी पेशेंस नहीं करना है अपने, और ध्यान रखना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। झुकना उतना ही, हाँ जितना सामने वाले की हैसियत हो, ठीक है। टू गिव अ हम्बल लाइफ टू इंस्पायर द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमको एक, हाँ राइट, हमको एक हम्बल लाइफ जीनी चाहिए और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। टू बी फ्री ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड की दया भाव नहीं रखना, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं रखना। हेट्रेड मतलब नफरत, किसी के प्रति भी नफरत ना रखना। गौतम बुद्ध को किसी ने ऐसे धक्का दे दिया तो गौतम बुद्ध ने कहा, चलते गए वो, तो फिर धक्का दे दिया, कोई बात नहीं भाई, हाँ फिर आगे आई वो ट्रक लेके चला गया उसको। ट्रक मतलब वो छोटा सा जो बुलक कार्ड होता था उस समय, कहाँ ट्रक होंगे। टू अपहोल्ड अ हाई मॉरल स्टैंडर्ड, हमेशा जो अपना स्टैंडर्ड है मेंटेन करके चलना और हाई मॉरल्स रखना। रिस्पेक्ट फॉर द पब्लिक व्यू पॉइंट टू क्रिएट पीस एंड कॉनकॉर्ड, जनता के प्रति हमेशा क्या रखना, अच्छा रिस्पेक्ट रखना और उन सब का जो है यहाँ पे शांति बनाए रखना। टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, इसमें प्रैक्टिस वर्ड लिखा है, नॉन वायलेंस करने की कोशिश करना, है ना। वायलेंस कभी कभी हो जाता है तो नॉन वायलेंस करने की कोशिश करना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अशोका एडिक्ट्स की। अशोका एडिक्ट्स आर लॉन्ग फॉर्म इंस्क्रिप्शन मेड ऑन रॉक्स डेट नरेट द स्टोरी ऑफ इज लाइफ एंड द प्रोपोगेशन ऑफ धर्मा, तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एडिक्ट्स लिखे, यानी कि शिला लेख लिखे। अशोका धर्मा इज रॉन्गली बिलीव टू बी अ सॉर्ट ऑफ न्यू रिलीजन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये नया रिलीजन है, नहीं कोई तरह का नया रिलीजन नहीं है ना, ऐसा है जो भगवान बुद्ध की जो कही भी चीज़ें हैं, इन्होंने बुद्धिज्म को भी आगे नहीं फैलाया है, जो उन्होंने कही भी चीज़ें हैं उनको आगे फैलाया है। इट वॉज नाइदर रिलीजन नॉर फिलोसॉफी, इट कैन रेदर बी व्यूड एज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, अच्छा इन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी। कोई भी एक राजा होता है तो वो ये तो चाहता ही है कि मेरी जो प्रजा है इस तरह से जिए, तो वैसा ही इन्होंने भी किया, राइट। द फीचर ऑफ धर्मा आर इंस्क्राइब्ड ऑन हिज रॉक एडिक्ट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग,
देखो कोई यूपीएससी की तैयारी करता है या कोई पीसीएस जे की तैयारी पीसीएस की तैयारी करता है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जुडिशरी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एडिक्ट वन में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, यानी कि अब ये जो चीज़ें हैं ना ये सब पे लॉ बने हैं और इन पे इतनी मोटी मोटी किताबें बनी है एक एक लॉ पे, ये सब वही है चीज़ें, एनिमल सेक्रीफाइस को ख़त्म करना, ठीक है। एडिक्ट टू का मतलब है बिल्डिंग रेस्ट हाउसेज एंड वेल्स एंड प्लांटिंग ट्रीज, यानी कि ट्री को प्लांट करो, ये सब किस में लिखा है, एडिक्ट टू पे जो स्तंभ लिखे हुए होते हैं उस पर लिखा है। एडिक्ट थ्री पे लिखा हुआ है पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड एंड टीचर्स मस्ट बी रिवर्ड, यानी कि हमेशा हमारे पेरेंट्स के माता पिता की जो है हमेशा रिस्पेक्ट बनती रहे और टीचर्स को हमेशा ध्यान पे रखते रहे। एडिक्ट फोर में लिखा है एबोलिशन ऑफ डेथ सेंटेंस, किसी को फांसी नहीं देनी, डेथ सेंटेंस नहीं देना, मृत्यु दंड नहीं देना किसी को भी, चाहे कोई भी हो। एडिक्ट फाइव है ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, स्लेव और सर्वेंट रखो लेकिन वो गंदा ट्रीटमेंट ना करो उनके साथ में। एडिक्ट सिक्स है डिस्करेजमेंट ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि अंधविश्वासी चीज़ों से दूर रहो, बट अपन तो अंधविश्वासी चीज़ों से पास आ जाते हैं, राइट। एडिक्ट सेवन, ये इस तरह के एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, एडिक्ट सेवन है टॉलरेशन ऑफ ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, हर एक रिलीजन के साथ में टॉलरेंट रहना है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये करना मना है हमारे भारत देश में, ये सब चीज़ें। एडिक्ट एट है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ केयर मेडिकल। एडिक्ट नाइन है बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ब्राह्मण शुड बी रिस्पेक्टेड, सारे ही लोग है ना रिस्पेक्ट होने चाहिए जो मेन ऊपर टॉप पे होते हैं। एडिक्ट टेन प्रिफर धर्मा कंक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोरी, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि धर्म को ही फॉलो कर लो, अशोका के जो धर्म है वो जो मैंने अभी 10 बताए थे ना वही है ये। एडिक्ट 11 में लिखा है प्रोविजन टू हेल्प द एल्डरली एंड पुअर, जो बूढ़े लोग हैं और जो पुअर लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। और एडिक्ट 12 है द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथफुलनेस, ये प्रैक्टिस वर्ड बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है कि अहिंसा की प्रैक्टिस करो और ट्रुथ की। तो एक याद है गांधी जी, ये दो बातें ही तो बोलते थे वो, उनके दो ही बड़े हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि नॉन वायलेंस एंड ट्रुथफुलनेस, देख लो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ गांधी जी ने बोला है। हाँ आगे बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ मिली है हमको, हाँ इंस्क्रिप्शन के दौरान, और ये कुछ साल पहले ही मिली है। तो ये देखिए यहाँ पे हाथी जैसा लग रहा है ये, है ना, और इस तरह का ये पहाड़ टाइप का है ये, और अशोकास रीबर्थ एंड रीडिस्कवरी एट धौली, धौली गंगा जो दिख रहा है आपको नाम, तो धौली करके एक जगह है, हाँ ये वहाँ का है ये सीन, धौली DHAULI। नेक्स्ट देखते हैं कलिंग वॉर, जो कि सबसे बड़ा, जो यहाँ पे कलिंग को नष्ट करके रख दिया सम्राट अशोक ने, सब बर्बाद करके रख दिया, वो सबसे बड़ा मेजर वॉर था अशोका की लाइफ का, ठीक है। द कलिंग वॉर वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन अशोकाज लाइफ हिस्ट्री, द किंग फॉट द कलिंग वॉर इन 8th ईयर ऑफ हिज एसेशन टू द थ्रोन, ठीक है। द वॉर वॉज फॉट बिटवीन द इंडिपेंडेंट 262 BC के अंदर ये हुआ था, हाँ, और 261 BC तक ये चला, तो दो साल का पूरा वॉर चला था, उस समय दो साल बहुत बड़ी बात होती है। इट इज़ सेड दैट इन दिस वॉर अ मिलियन मैन, अ मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख लोगों को मार दिया, एंड एनिमल्स वर किल्ड एंड अनदर मिलियन वर कैप्चर्ड बाय मौर्यंस, ब्रूटल मतलब बिना किसी दया भाव के इतना ज़्यादा कर दिया, 10 लाख का मतलब किसको कहते हैं आप। हाँ, कलिंग वॉर इज सेट टू बी टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ बिकॉज आफ्टर द वॉर ऑल द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय हिम इन द वॉर लेड हिम टू बुद्धिज्म, तो भगवान बुद्ध के जो रास्ते पे इनका जाने का जो तरीका था वो कुछ इस तरह का गया। आफ्टर डीप फीलिंग्स ऑफ रिपेंडेंस अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड लेटर नोन एज धर्म अशोक, सबको मार के और फिर उसके बाद धर्म अशोक बन गए थे। चलो हाँ, ये हिंदी में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
वो बहुत इम्पोर्टेंट, इस क्लास की सबसे शानदार बातें हैं जो अब होने वाली है अगले 3 मिनट के अंदर। श्रीलंकन ट्रेडिशंस ऑफ अशोका हिस्ट्री सजेस्ट दैट अशोका डाइड अराउंड 232 BC ड्यूरिंग द 37th रेगनल ईयर। रेगनल ईयर मतलब 37वें साल तक शासन करने के बाद, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज अशोका फेल सीवियरली इल एंड इवेंचुअली पास्ट अवे। बहुत ज़्यादा दिन तबीयत खराब थी और फिर पास अवे, मतलब कि मर गए। ऐसा कहा जाता है कि जो सम्राट अशोका है यहाँ पर है, ये सांची स्तूपा के पास का एरिया है, यहाँ पे इन्होंने दम तोड़ा था। ठीक है, राइट। और अब जो बातें हैं वो देखो, एज पर अशोक वदन, ठीक है, हियर आर सम ऑफ द इवेंट्स डेट हैपन्ड वेन अशोका वॉज ऑन हिज डेथ बेड। डेथ बेड का मतलब आपको अगर अच्छे से पता हो कि जब वो मरने वाले थे उस समय क्या क्या चीज़ें हुई, वो आप जान के एकदम शॉकिंग रह जाओगे। द किंग मेड जेनरस डोनेशंस टू बुद्धिस्ट संघास फॉर द स्टेट ट्रेजरी। अपना जो भी धन था वो सारा का सारा किसको देने वाले थे, बुद्धिज्म के जितने भी मोनेस्ट्री है और ट्रेजरी है उन सबको देना चाहते थे। वेन हिज मिनिस्टर डिनाइड, लेकिन उनके मिनिस्टर ने क्या कर दिया, हाँ मना कर दिया कि नहीं, तो उन्होंने क्या करा, ठीक है कोई बात नहीं, स्टेट की ट्रेजरी नहीं देखते, हाँ तो आप क्या करते, ही डोनेटेड हिज पर्सनल पोजेशन टू द संघ। मेंस का एग्जाम इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें, तो उन्होंने अपनी जो पर्सनल चीज़ें थी वो सब दान कर दी। आफ्टर डोनेटिंग ऑल ऑफ हिज पोजेशंस द ओनली थिंग इज पोजेस्ड ऑन हिज डेथ बेड वॉज अ मायरोबलन फ्रूट। मायरोबलन फ्रूट करके एक छोटी सी आती है, ड्राई फ्रूट टाइप होते हैं वो, हाँ किशमिश के जैसे जैसे होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। फिर अशोका इवेंचुअली डोनेटेड द मायरोबियन फ्रूट ऑल्सो टू बुद्धिस्ट संघ, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स व्हेन अशोका द ग्रेट इवेंचुअली पास्ट अवे हिज बॉडी बर्न फॉर 7 डेज एंड नाइट्स। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा था कि जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई थी और जब उनको जलाया गया था तो 7 दिन तक उनकी बॉडी जली थी। आज किसी को अगर जलाते हैं तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हद से हद, ठीक है, यहाँ पे कितनी, 7 दिन और 7 रात उनकी बॉडी जलती रही। सोचो आप कैसी पर्सनैलिटी होंगे, है कि नहीं। और ये जो लिखा है ये हर जगह लिखा है, चाहे वो संस्कृत टेक्स्ट हो चाहे वो तमिल टेक्स्ट हो, सभी में ये चीज़ कॉमन लिखी है कि 7 दिन और 7 नाइट उनकी बॉडी चली थी। सोचो आप, बहुत भारी चीज़ है ये। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, मैंने आपको बताया ही था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र पर। हाँ अच्छा, स्क्रीनशॉट, हाँ। और ये है उपगुप्त, जो कि मैंने परसों बताया था आपको, उपगुप्त नामक जो पर्सन है जिन्होंने सम्राट अशोक को, ये AI की इमेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी इमेज बनाई है, तो इन्होंने धर्म का रास्ता बताया। और ये आप बुद्धिज्म, अशोक एंड अशोक चक्र, अशोक चक्र नाम सुना है ना आपने, वही चक्र है ये। और ये हमारा प्राचीन फोटो है, ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो इसका भी आप जो है एक बार, ये क्या है कि मैं जब चीज़ें कभी कभी बार बार लेके आऊँ ना तो ये इम्पोर्टेंट रहता है और एग्ज़ाम में काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, राइट। और इस तरह से जो है सम्राट जो अशोक के बाद में दशरथ उनके बेटे थे, और फिर सबसे लास्ट जो है, हाँ, बृहदत्त, ठीक है, इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और फिर जो है कौन आएगा देखते हैं भाई कल। अच्छा, 26 जून से हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था, आइकॉनिक लिंकिंग बैच, तो जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस ये आइकॉनिक कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा कोड लगाना है आपको, लिंकिंग, और ध्यान रखिएगा अभी चल रहा है 25% का ऑफ, लेकिन एक और खास बात है, ठीक है, 25% के ऑफ के अलावा यहाँ पे 18 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन मिलते हैं प्लस 4 मंथ्स, तो आपको 1 लैख, ये आइकॉनिक के लिए है, 1 लैख 4,999 का पड़ता है।
और अगर आप प्लस का लेते हैं तो 18 प्लस 2 का कितने का होता है 69,000, अराउंड 70,000 होता है। राइट, 30 जून तक है ये वैलिड। और अगर आपको पता हो तो ये वाला जो MPCJ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है हमारे, ये सभी आपको एक साथ दिखने को मिलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 8 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा जो यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, अभय प्रसल ऑडिटोरियम, रेस कोर्स रोड, इंदौर, जो कि MP में पड़ता है, तो वहाँ पे हो रहा है। तो अपने अपने जो है ट्रेन की टिकट या जो भी आपकी टिकट करानी है करा दीजिए फटाफट से। 50 जज एंड 500 जुडिशियल एस्पिरेंट सारे के सारे वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है और ये इंडिया में पहली बार ऐसा कोई जुडिशरी का इवेंट हो रहा है, तो यू मस्ट अटेंड। राइट, चलिए। और ये जो आइकॉनिक वालों के लिए ये इस तरह की जहाँ पे बुक्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे जुड़ना चाहता है तो वो लिंकिंग लॉस इंग्लिश टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकता है, ठीक है, लिंकिंग लॉस इंग्लिश, ध्यान रखिएगा ये। हाँ, और ये तो हमारी 200K नहीं 217K बन चुकी है अब हमारे। हाँ चलिए फिर, तो मिलते हैं हम 11:30 की क्लास में। हाँ, MCQ क्लास होगी 11:30 बजे, इस क्लास के जस्ट बाद 11:30। तो मिलते हैं MCQ, जो इस क्लास का जो जो हमने पढ़ा है उसके MCQ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।